अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के एक और सेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। टुडे इन दिस सेशन वी विल ट्राई टू डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। आज के इस सेशन में हम कॉमर्स की जो ब्रांचेस हैं या कॉमर्स को आगे कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स ट्राई। पहले हम कॉमर्स की डेफिनेशन देखते हैं। कॉमर्स इज़ द एजुकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कॉमर्स इज अ डिवीजन ऑफ ट्रेड और प्रोडक्शन विच डील्स विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। कॉमर्स जो है वो एक बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसके बारे में तालीम है और बिजनेस की एक्टिविटीज़ को इसमें देखते हैं और बिज़नेस की एक्टिविटीज़ की जो एजुकेशन है वो कॉमर्स के ज़ुमरे में आती है। और नेक्स्ट है जी, कॉमर्स इज़ अ डिवीज़न ऑफ ट्रेड। ये एक तिजारत की एक किस्म है। कॉमर्स तिजारत की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उसमें एक जो उसकी एक टाइप है या उसकी एक डिवीज़न है जिसमें चीज़ों की प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस होता है या चीज़ों का जो तबादला है चीज़ों का या सर्विसेज का, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कस्टमर या फाइनल कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती हैं प्रोड्यूसर से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो सारा प्रोसेस है वो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब आते हैं जी, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के प्रोड्यूसर कौन है एंड कंज्यूमर कौन है। प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन हु प्रोड्यूस और मेड द गुड्स। जो बंदा चीज़ें बनाता है या चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है वो उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। चीज़ों को बनाने का जो भी अमल है, वो जो भी कंपनी है, तो कोई कंपनी किसी चीज़ की अगर प्रोडक्शन कर रही है, बहरहाल प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स। ओके, एंड कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु यूज द गुड्स और बॉट द गुड्स। जो चीज़ों कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ों को ख़रीदता है या चीज़ों को इस्तेमाल करता है। तो प्रोड्यूसर हम चीज़ों को बनाने वाले को कह सकते हैं और कंज्यूमर हम चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले को कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर का डिफरेंस का आइडिया हो गया होगा। तो अब हम कॉमर्स की ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉमर्स इज़ डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचेस, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। डिवीजन ऑफ कॉमर्स आर समराइज एज बिलो। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेड क्या होती है एंड एड टू ट्रेड क्या होती है। एड टू ट्रेड एंड ट्रेड, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ट्रेड बेसिकली जो तिजारत होती है उसको कहते हैं। तो ट्रेड इज़ अ बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विद कंपनसेशन पेड बाई द बायर टू सेलर और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज between parties. Trade can take place within an economy between producer and consumer. Basically जो trade होती है वो एक economic concept है जिसमें buying and selling जो चीज़ों की या services की होती है वो इसमें शामिल होती है। And इससे आगे है जी aid to trade. Aid to trade है जी के aid to trade are the activities which are necessary for smooth flow of goods from producer to consumer. These activities facilitate trade by removing various barriers in the buying and selling of goods. Trade में जो तजारत है वो करनी कैसे है, और जो aid to trade है उसमें जो facilities provide करते हैं different departments वो इसके बारे में शामिल होते हैं। तो जब हम इसकी आगे फर्दर डिवीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ट्रेड क्या है एंड और ट्रेड में कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और एड टू ट्रेड जो ट्रेड है वो क्या होती है और उसमें कौन कौन सी आगे फर्दर डिवीजन्स शामिल होती हैं। तो लेट्स ट्राई एंड डिस्कस द डिवीज़न ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स, सबसे पहले कॉमर्स है, उसकी आगे फर्दर देयर आर टू ब्रांचेस यानी डिवीज़न ऑफ कॉमर्स,
उसमें एक है ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज़ एड टू ट्रेड। अब ट्रेड को आगे फर्दर दो हिस्सों, मेन दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे पहले है होम ट्रेड एंड द सेकेंड वन इज़ फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड को भी आगे से फिर फर्दर उसकी डिविजन्स बनाई गई हैं, या उसके पार्ट्स हैं, या उसके जूज हैं। सो जिसमें है जी एक होलसेल ट्रेड है एंड एक रिटेल जो ट्रेड होती है, जो एक होलसेलर होते हैं जो लमसम चीज़ों के इकट्ठा बाय कर लेते हैं, और एक आगे फिर उसकी जो ब्रेकअप में जो रिटेल, जो आम ताजर होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो रिटेल में चीज़ों को बेचते हैं। इसमें होम ट्रेड में आगे से ये दो इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और फॉरेन ट्रेड, जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि इसमें जो ट्रेड होती है जो हम दूसरे मुल्क के साथ करते हैं वो शामिल होती है। तो फॉरेन ट्रेड में बेसिकली दो चीज़ें शामिल होती हैं, जिसमें हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट की ट्रेड शामिल होती है और एक्सपोर्ट की ट्रेड शामिल होती है। इंपोर्ट जैसा कि कोई भी मुल्क अपनी कंट्री के अंदर कोई चीज़ को मंगवा रहा है तो वो इंपोर्ट के ज़ुमरे में आएगी, और अगर हम किसी अपनी मुल्क की बनाई हुई प्रोडक्ट को दूसरे मुल्क को सेल कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट के ज़ुमरे में आएगी। तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को आगे से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो कॉमर्स का जो पहला पार्ट था वो था ट्रेड, ट्रेड को आगे से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। देन होम ट्रेड को आगे से फर्दर टू हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें होलसेल ट्रेड आई थी और रिटेल ट्रेड आ गई थी। फॉरेन ट्रेड द सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रेड, और इसको आगे से फिर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, जिसमें इम्पोर्ट थी एंड एक्सपोर्ट थी। इम्पोर्ट के हम चीज़ों को जो मंगवाते हैं दूसरे मुल्कों से, एंड एक्सपोर्ट जो हम अपनी चीज़ों को दूसरे मुल्कों में बेचते हैं। फर्दर जब हम इनको सारा आगे से ब्रेकअप में डिस्कस करेंगे तो इन सारों की जो डिटेल है वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। द नेक्स्ट जो कॉमर्स का सेकंड पार्ट है वो है एड टू ट्रेड। एड टू ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी जो ट्रेड होती है उसको जो जो भी सहूलत प्रोवाइड करने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, या उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसमें जो भी मददगार चीज़ें होती हैं वो होती हैं एड टू ट्रेड। तो एड टू ट्रेड में आगे से जैसे कि देखें, इसकी इसका सिर्फ एक ही हिस्सा है, एक ही जुज़ है, और इसमें आगे से फर्दर क्या शामिल है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं एड टू ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट। ए टू ट्रेड में की चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, और उसकी कम्युनिकेशन, उसके जो रबते हैं, इसमें जो उसकी जो बैंकिंग है और उसकी जो इंश्योरेंस है, उसकी जो वेयर हाउसिंग है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, तो ये डिफरेंट चीज़ें ए टू ट्रेड के ज़ुमरे में आती हैं। तो आई होप कि आपको कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट है और उसकी जो डिवीज़न है, उसकी जो ब्रांचेज हैं, उसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। ये बड़ा मेन और एक अहम जुज़ है कॉमर्स की। बेसिकली दो ब्रांचेज हैं, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। तो कॉमर्स को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक ट्रेड होती है एंड एक एड टू ट्रेड होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप इजी